तो भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि पहले मनीष सिसोदिया ने बोला कि मैं राजपूत हूँ, सिर कटा लूँगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो भाइयों, उसके बाद अभी केजरीवाल ने बोला कि अगर उनके पास सब कुछ है तो हमारे पास कृष्ण है। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, इस युद्ध के अंदर मुझे आप चाहिए। मुझे दुर्योधन मन मन में बड़ा खुश हुआ, उसने कहा मेरे को तो सेना चाहिए थी। इन लोगों के पास पूरी सेना है, हमारे साथ श्री कृष्ण है। तो भाइयों, वो गुजरात में आए हुए थे और गुजरात में जब मथुरा से द्वारका मंदिर में जब श्री कृष्ण जी आते हैं तो वो द्वारका मंदिर का केस गुजरात के जामनगर रियासत की जडेजा राजपूत रियासत ने जीत रखा है। सौराष्ट्र में चार रियासतें हैं जडेजा राजपूतों की, इसके अलावा बहुत सारे ठिकाने भी हैं। तो भाइयों, अभी युवराज सिंह जडेजा जी, वो एक क्षत्रिय बाहुबली आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, तो इन्होंने यही बोला, अगर आपके पास सब कुछ है तो हमारे पास भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज युवराज सिंह जडेजा है। तो भाइयों, भगवान श्री कृष्णा जी क्षत्रिय थे, आप सुनिए। अभी भी कुछ लोगों की कमेंट्स आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय थे, उस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, वो खुद क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण जी के मामा कंस, वो खुद अंधकौंसिक क्षत्रिय थे। कौरव, पांडव, भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ जी कुंती जी, वो सब क्षत्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण जब खुद क्षत्रिय हो गए तभी उनके रिश्तेदार क्षत्रिय हो गए ना। भाइयों, भगवान श्री कृष्णा जी की जो बहन थी उसकी शादी पांडव वंशजों में हुई थी। ये भी चंद्रवंशी क्षत्रियों की शाखा है जो कि पूर्व वंश से हैं और दूसरे जदु वंश से हैं। कौरवो राजपूत भी हैं और इसके अलावा कौरवों की शाखा कटोच राजपूत भी हैं और उनसे बहुत सारी शाखाएं निकली हैं। और पांडव के वंशज तोमर तवर या फिर चंडेल और भी बहुत सारी शाखाएं जो उनसे निकली हुई हैं। तो भाइयों, सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जदुवंशी जडेजा राजपूतों की रियासत गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया।